गुड मॉर्निंग्स। आपका फुल नेम इज़ सत्य भामा कौशिकी। यस सर। चलिए कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम सत्यभामा कौशिकी है। मैंने सर 2021 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से अपनी BA/LLB कंप्लीट की थी एंड अभी सर हम LLM परस्यू कर रहे हैं मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। आप कहाँ से हैं? सर संत कबीर नगर मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, संत कबीर नगर। ये इस डिस्ट्रिक्ट का नाम संत कबीर नगर कब रखा गया? सर 19 सर मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है जब ये बस्ती से कटकर बना था अच्छा, तभी इसका नाम संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर सर इसलिए रखा गया है क्योंकि संत कबीर जो थे मगर नाम की जगह वहां पर उनकी डेथ हुई थी इसलिए उनके नाम पर ये ऐसे रखा गया है। अच्छा ये बताइए, संत कबीर जो थे इन्हें संत क्यों कहा जाते हैं? सर इनकी जो एक इनका एक काम है सर बड़ा फेमस बिजक जिसपे इन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम रिलीजन के बीच में काफी एक बैलेंस करके बहुत लाइफ के अप्रोच को बताया। निर्गुण फिलोसफी में बहुत बिलीव करते थे और अच्छा, इसी वजह से एक संत का इनको टाइटल दिया गया है। आपके सरनेम में कौशिकी शब्द जुड़ा है, जी सर। ये क्या है? इसका मीनिंग क्या है? सर कौशिकी मेरा नाम है। मेरा सरनेम सर मिश्रा है। मेरे पेरेंट्स ने ऐड नहीं किया था। सर कौशिकी का मतलब सर हम बताना चाहेंगे। सर मार्कंडेय पुराण के अनुसार कौशिकी दुर्गा माँ का एक रूप है एंड सर कोश संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी सेल्स। तो कोशों से जन्मी कौशिकी। वेरी गुड। आपने अभी पुराण का नाम लिया, आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितने पुराण हैं? सर 18 सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? सर आई एम सॉरी नहीं समझ आ रहा हूँ। अपना रोल नंबर बताएंगे सर 021937 और डेट ऑफ बर्थ। 17th March 1999। इन दोनों में दो चीज सेम सेम क्या है, कॉमन क्या है? सर 9 डिजिट इस्तेमाल हुआ है एंड सर जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मतलब 17/3/99 तो ये भी 6 डिजिट्स हैं और मेरा रोल नंबर भी 6 डिजिट्स पे ही खत्म होता है तो ये सर कुछ सिमिलैरिटीज हैं। वेरी। अच्छा ये बताइए, आप मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सर जो रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स हैं उसकी वजह से सर इस सिस्टम में हम बेस्ट कंट्रीब्यूशन एक जज की कैपेसिटी में ही दे सकते हैं। किस कैपेसिटी में? एक जज की कैपेसिटी में ही हम बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पर माय क्वेश्चन इज, आप मजिस्ट्रेट क्यों बनना चाहते हैं? मैंने तो जज वर्ड यूज ही नहीं किया। ओके सर। यू वॉन्ट टू बिकम मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल? सर जुडिशियल। ओके, चलिए आप मुझे बताइएगा कि आईपीसी के उस सेक्शन के बारे में मुझे बताइएगा जो सीधा महिलाओं से संबंधित है। बायगमी का एक सेक्शन है कि एक देर इज दिस पर्सन जो अपनी लाइफ टाइम मैरिड मैरिड स्पाउस के होते हुए भी दूसरी शादी करता है तो वो बायगमी हो जाती है। सर सेक्शन 375 ऑफ IPC जो कि एक फेमिनिन उस पे रेप। यस वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है? सर आनंदीबेन पटेल। ओके, आप श्योर हैं पूरी तरीके से? यस सर। ऑर्डिनेंस क्या होता है? सर ऑर्डिनेंस एक दिस इज बेसिकली प्रोमोलगेटेड बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर जब जो स्टेट जब फंक्शन में नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे सेशन में नहीं होता तब पास किया जाता है कोई इमीडिएट रेमेडी को एड्रेस करने के लिए। अच्छा, मान लीजिएगा राष्ट्रपति जी कहीं विदेशी यात्रा पर गए हैं, ठीक है, यस सर। हमारे देश के प्रेसिडेंट किसी विदेश की यात्रा पर गए, वहाँ उनकी दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, और उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर हमारे यहाँ पर क्या प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी हमारे देश में? सर एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है कुछ समथिंग प्रेसिडेंट एक्ट करके मुझे याद नहीं आ रहा बट उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट लेंगे और एंड वो फिर ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे। ओके, आप मुझे बताइएगा जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको ओथ कौन दिलाता है? आई बिलीव प्रेसिडेंट। आप श्योर हैं पूरी तरीके से? सर मे आई टेक अ सेकेंड। ओके, प्लीज़ आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टू प्लीज़ रेस्पेक्टेड रवि झा सर, प्लीज़ कंटिन्यू।
गुड मॉर्निंग कौशिकी। गुड मॉर्निंग सर। कौशिकी, जैसा कि मुझे पता चला कि आप शायद प्रयागराज में रहती हैं और यहीं से आपकी एजुकेशन भी चल रही है, तो जी सर। कौशिकी मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी कौन कौन सी बेंच है, कौन प्रिंसिपल बेंच है, कौन सी सब्सिडरी बेंच है, और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर प्रिंसिपल बेंच इलाहाबाद में है एंड सब्सिडियरी बेंच लखनऊ में है। एंड सर आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनका नाम नहीं याद आ रहा। आई विल रीड अप ऑन इट। कोई बात नहीं कौशिकी, ये बताइए आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? सर इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। तो भारतीय दंड संहिता में कौशिकी बताइए वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिस परिस्थितियों के अंतर्गत एक असेंबली अचानक से अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या सिर्फ एक व्यक्ति किसी असेंबली को ज्वाइन करता है जो अनलॉफुल असेंबली है, क्या इस आधार पर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है या नहीं? ओके सर। सर विद रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, सर दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल, इट शुड बी इधर मोर और मोर देन फाइव। एंड सर 141 जो सेक्शन है उसमें लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स बताई गई है। अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप में पांच से ज्यादा लोग हैं जिनका ऑब्जेक्ट उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, इट बिकम्स एन अनलॉफुल असेंबली। एंड सर विद रिस्पेक्ट टू योर सेकेंड क्वेश्चन, अगर वो इंसान उस ग्रुप को इस नॉलेज के साथ ज्वाइन कर रहा है कि आई हैव टू अकम्प्लिश द कॉमन ऑब्जेक्ट, सुन उसकी नॉलेज है, देन सर ही शैल बी तो, लायबल। मियर मेंबरशिप इज सफिशिएंट टू इनवोक द लायबिलिटी अगेंस्ट हिम। ये बताइए कौशिकी कि जो प्रियम्बल होता है उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी एक्ट का? सर किसी भी एक्ट के प्रियम्बल में उस पर्टिकुलर एक्ट की लेजिस्लेटिव इंटेंट का डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड सर जब कोई कंफ्यूजन हो जाती है जुडिशरी को एक्ट को इंटरप्रेट करने में, तो उस प्रीएम्बल को रेफर किया जा सकता है ताकि विजन मिल पाए। कौशिकी, लगभग जितने भी हमारे कोडिफाइड लॉज हैं उनका जो सेक्शन 1 है वो कहीं ना कहीं हमें उनके नाम के बारे में बताता है। कई जगहों पे मे वर्ड का यूज किया गया है, कई जगहों पे शैल वर्ड का यूज किया गया है, क्या तात्पर्य है इसका? सर जब कोई शैल का जहां पर डिस्क्रिप्शन किया जाता है, तो वो एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है करना। डिस्क्रिशन की स्कोप नहीं होती। बट सर मे वर्ड का सिंपल मतलब है कि एक वाइड डिस्क्रिशन दी जाती है उस कंसर्न अथॉरिटी को, ताकि वो अपने हिसाब से केस को देख सके एंड जो उनके बेस्ट सूटेबल इंटरेस्ट में उस वक्त लगे उसके हिसाब से वो एडजुडिकेट नहीं करे। करना बस ये अलग सब्जेक्ट का, ये ये अलग बताइए क्या सीआरपीसी में इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान है, और अगर है तो किस धारा के सर। तहत? इंटरिम मेंटेनेंस आई बिलीव सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी में ही दिया हुआ है। 128 आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट सेक्शन, जो कि सर 125 मेंटेनेंस के जो प्रोविजंस हैं उस टाइम पे, इफ द मैजिस्ट्रेट थिंक्स ही कैन आल्सो ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस। ये बताइए सीपीसी में इंडिजेंट पर्सन आपका कहां पर एक्सप्लेन किया गया है, सर ऑर्डर 33, क्या बात करता है ये? सर अगर उसके असेट्स 1,000 रुपीज से कम होते हैं, which cannot be attached or executed, then it amounts to an indigent person. He is not able to pay the court fees as well. कौशिकी, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है Yes, कि sir. जब आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज बनती हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर सबसे पहला मेरा ये टारगेट होगा कि जो काम मुझे असाइन किया गया है उसको मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी प्रॉम्प्टनेस के साथ करूं। कोई पेंडिंग केसेस नहीं होने चाहिए मेरी कोर्ट में। एंड जो मेरे सामने सर काम आया उसको मैं सबसे पहले ठीक से करूं। एंड जब धीरे धीरे मेरे काम पे मेरा होल्ड बनने लगेगा, तब हम अपने हिसाब से स्टेक होल्डर्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड अपने दायरे में रहकर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच कौशिकी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मम्मी जैन सर, ही विल कंटिन्यू विद यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्यभामा, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सर इट इज फॉर्मरली इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 310 एंड 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट बेसिकली मीन्स दैट द टेन्योर ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इट इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही हैज द सोल अथॉरिटी टू टर्मिनेट द टेन्योर। ओके सत्यभामा, व्हाट इज ऑर्बिटर डिक्टा? सर ऑर्बिटर डिक्टा इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच इज मेड बाय द जज इन अ पर्टिकुलर केस विच इज नॉट यूजली बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, इट इज अ वेरी सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन।
व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी? सर आई बिलीव इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 20 60 और 28C. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट सेक्शन अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड. सर द मेन फंक्शंस इज अगेन टू डिसाइड टू मैनेज द बाउंड्री डिस्प्यूट्स, टू एडजुडिकेट द नंबर ऑफ पीपल हु आर अक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर लैंड एंड सो एज टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड सो दैट देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन द टेन्योर होल्डर्स. And what is mutation under UP Revenue Code, under Revenue Code 2006? So mutation refers to, I believe it is just basically maintaining the records of the person who is acquiring the right over that particular land and keeping a good track record. Okay. Is there any difference between arrest and custody? Sir, arrest is the formal term which is used under CRPC, section 46 of CRPC, arrest how made. And sir, custody is more of a common term which is used by people generally. It is not a very formal or legal term. And custody can also be used with respect to property, while arrest particularly refers to the arrest of the person. Thank you. I would like to request at least, sir, kindly proceed to interview. Thank you, sir. What is damnum sine injuria? The damnum sine injuria is basically that there is damage, but there is no harm of legal injury. Okay, Koski, as you are answering, your presentation is just like a teacher in spite of a judge. So why do you want to be as a judicial officer? I think that you should have to try to go in teaching field. Sir, as I said that there are various traits which I have tried to work upon over all these years. And there are certain skills, for example, reading, writing and listening skills, because of which I can offer the best contribution to this system. Okay, what is judicial overreach? So judicial overreach is a process where the courts are basically interpreting the law out of the capacity, out of their capacity, which is not permitted by the strict letters of the law. And that is why they are overreaching, something which is not permitted by the Act. Okay, what are the essential elements of offense? Yeah. Sir, mens rea and actus reus. Mens ka kuch nahi hai abhi. Okay. What is ratio descendandi? Sir, ratio descendi is basically the reasoning behind the merits of the case, behind the judgment, the reason because of which the judge came to the conclusion. So what are the basic difference between arbiter dicta and ratio descendi? Sir, ratio descendi, as I said, it's the reasoning that the judge comes to a conclusion, by using which the judge comes to a conclusion. But sir, arbiter dicta can be a very secondary observation which is not directly related to the case, but a very ancillary observation which is not related to the merits of the case, which is not related to the legality of the case. Okay, what will you do if you are not selected? Sir, I will look for other options. I will still try to wait for the vacancies for the recruitment. If it is in UP, it will be great. And if it in any other state, I will keep exploring my options and I'll try to get into the job of judiciary only. But what will you do again if you are not selected again? Sir, I will try again. And if again you are not selected? Sir, I will try to keep a secure, stable option. Some employment option I will look for, and along with that I will try. In earlier you says that your name is mentioned in Markandeya Puran. So yes, can you tell me that who is the creator of Markandeya Puran? No sir, I'm sorry, I don't know it. I will look upon it. Okay, thank you Satyabhama. Now I would like to request Satyen sir, please proceed the interview. Thank you very much. Thank you sir. Satyabhama, aapka mock yahi pe complete hota hai. सत्या जी कैसा लग रहा है आपको? तो मुझे अच्छा लगा काफी, मतलब आपसे, आप लोगों से यूजुअली कभी पहले पहली बार मेरी इंटरेक्शन हो रही है. एंड हमेशा मैंने आप सबको बस क्लासेस में देखा है और यूट्यूब पे देखा, क्लासेस ऐप पे देखा, तो आज काफी अच्छा लग रहा है. एक तो इन पे थोड़ा सा काम कर लेंगे, आप अपने कंट्रोल करेंगे इस शब्द का कि यहाँ पर है. बाकी बॉडी लैंग्वेज में हमारे सारे पैनलिस्ट आपसे काफ़ी सेटिस्फाई हैं पूरी हद तक. आपका प्रेजेंटेशन शुरू में मैंने जानबूझ के आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे कि ताकि आप थोड़ी होपलेक्स हों, परंतु आप हो ही नहीं बिल्कुल भी. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, मतलब आप किसी तरीके से घबराहट या वो चीज़ें हमें आपके फेस पर लगी नहीं.
एंड अच्छे से आपने सारे आंसर करे हैं। और बॉडी लैंग्वेज के अलावा आपके नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। आज जितने मॉक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क आप ही को हम लोग दे रहे हैं, एंड आपको हम टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से 60 मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 100 में से, जो मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ योर नॉलेज योर टैलेंट, ठीक है। और डेफिनेटली आप डिजर्व हैं और आपका अच्छी रैंक आएगी, सिलेक्शन आपका अच्छी रैंक आएगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हाँ, अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। सत्य बाबा जी, टारगेट फॉर आईक्यू टीम की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे, इसके आप हकदार हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बस आशीर्वाद आप लोग बनाए रखें।